हमारे फ्लैट में एक 4 सीटर डाइनिंग टेबल हो और वो काफ़ी मजबूत हो तो कितनी अच्छी बात है, और साथ ही साथ वो सस्ता भी हो तो और अच्छी बात है। तो ऐसा ही एक डाइनिंग टेबल सेट जो कि मिल रहा है 5,290 रुपए में आईकेआ स्टोर्स पर। और यह जो डाइनिंग टेबल सेट है ये टेरेंडो नाम से ADDE नाम से आपको मिल जाएगा आईकेआ स्टोर्स पर 5,290 रुपए में, 4 कुर्सियां और 1 टेबल। नमस्कार दोस्तों, नो बकवास टेक की बात में पीके आपके साथ। आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ इसी डाइनिंग टेबल सेट की अनबॉक्सिंग और इसका रिव्यू, और देखेंगे इस वीडियो में कि इसकी असेंबली कैसे करनी है। डब्बा खोलते ही डब्बे के अंदर से हमें मिल जाते हैं इसे असेंबल करने की सारी चीजें। इसमें आपको मिलते हैं कुछ स्क्रूज, एक एक एलन की, 4 जो हैं इसके लेग्स मिलते हैं और 4 फ्रेम्स मिलते हैं आपको, 2 लंबाई की तरफ लगाने के लिए और 2 चौड़ाई की तरफ लगाने के लिए। अब यहाँ पे इसकी असेंबली करेंगे। असेंबली करने के लिए सबसे पहले आपको साइड फ्रेम्स को लगा देना है। प्रत्येक साइड फ्रेम्स में आपको 3-3 स्क्रूज लगेंगे। चारों साइड्स में 4 फ्रेम्स को इस तरीके से आपको लगा देना है स्क्रू टाइट करके एलन की सहायता से। इसे असेंबल करने के लिए आप सिंगल हैंडेड भी कर सकते हैं और 2 लोग रहें तो और आसानी होगी करने में। चारों किनारों पे 4 फ्रेम्स लगने के बाद अब बारी आती है इसके लेग्स को लगाने की। यहाँ लेग्स को लगाने के लिए आप देख सकते हैं कि कॉर्नर में इस तरह का अरेंजमेंट दिया हुआ है, तो इस वाले नट बोल्ट को आप कॉर्नर्स में लगा दें और चारों लेग्स को इसमें फिट कर दें। दैट्स ऑल, आपकी असेंबली कंप्लीट हो गई। टेबल के ऊपरी हिस्से में कोई स्क्रैच ना आए, कुछ खराबी ना हो, इसलिए हमने इसके गत्ते का प्रयोग नीचे बिछाकर उसी के ऊपर उसकी असेंबली करके कर लिया। तो चलिए अब हमारा टेबल है तैयार, अब हम करते हैं अपनी कुर्सियों की असेंबली। तो हमारे पास हैं 4 कुर्सियां। इन 4 कुर्सियों को असेंबल करना थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल नहीं इसे कह सकते हैं कि थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन फिर भी आसान है। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं इसकी अनपैकिंग। अनपैकिंग में हम इसके सारे पार्ट्स को बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि हमें इसके साथ हमें क्या क्या मिला है। यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तो ये 2 बड़े वाले जो एच शेप के दिख रहे हैं, ये दोनों मेन फ्रेम हैं। उसके अलावा ये 3-4 नट बोल्ट्स हैं, उसके कवर्स हैं और ये सीट पे लगने वाले 2 फ्रेम्स हैं शायद, और ये हमारी सीट है। और सीट के ऊपर आप देख रहे हैं वो है बैक सपोर्ट, और ये बने हुए हैं प्लास्टिक के। चलिए अब शुरू करते हैं इन कुर्सियों की असेंबली। तो सबसे पहले इस एच शेप वाले फ्रेम को आप यूं लिटा दें। लिटाने के बाद इसमें ये 2 एक्स्ट्रा के फ्रेम्स जो मिले हुए हैं उसे डालकर इसमें नट बोल्ट लगा दें। ये दोनों पाइप्स के कर्व का ध्यान रखेंगे कि ये आपको ऐसा नीचे की तरफ हो, ऊपर की तरफ ऐसा ना हो, और इस तरीके से ये 4 नट आप टाइट कर दें स्पैनर की मदद से। इन 4 नट को अच्छी तरह टाइट करने के बाद आप इसे कुर्सी को सीधा कर दें और इस पीठ टिकाने वाली पट्टी को उसके ऊपरी हिस्से में जस्ट इंसर्ट कर दें, और फिर इस बैठने वाली पट्टी को भी जस्ट इंसर्ट कर दें। यहाँ हमें आगे 2 काम और करने हैं। पहला काम यह है कि हमारे पैकेज के साथ हमें 2 स्क्रूज मिले थे, इन 2 स्क्रूज को हमें लगाना है पीठ टिकाने वाली प्लास्टिक को लॉक करने के लिए यहाँ पर। इसे आप लगाकर स्क्रू ड्राइवर से अच्छे से टाइट कर दें। अब आता है इस कुर्सी की असेंबली का आखिरी पड़ाव, जहाँ पर हमें लगाना है इन 4 नट्स के ऊपर प्रोटेक्टिव कवर जो कि हमें मिला है साथ में पैकेज में। जस्ट प्लग एंड पुश। और हाँ, हमारी कुर्सी की असेंबली अब पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी लगाना है हमें इसके ऊपर कुशन, और यह कुशन भी हमने लिया है आईकेआ से ही। और इस कुशन को लगाना कोई कठिन काम नहीं है, इसमें जस्ट 2 वेलक्रोज लगे हुए हैं, उन दोनों को खोलकर आप पीछे वाली हैंडल में इसे फंसा दें इस तरीके से। तो यह हो गई तैयार हमारी कुर्सी विद कुशन एंड टेबल। दोस्तों अब आगे हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इस टेबल के स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के बारे में, इसका रिव्यू करेंगे हम। तब तक बाकी के 3 कुर्सियों की असेंबली और इस टेबल की सजावट आप वीडियो में देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस टेबल के साइज के बारे में। तो इसका जो साइज है वो 3 फीट 7 इंच लंबाई है इसकी, 2 फीट 2 इंच इसकी चौड़ाई है लगभग, और 2 फीट 5 इंच इसकी ऊंचाई है लगभग। अब बात करते हैं इस ADDE चेयर के डायमेंशंस के बारे में। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 50 सेंटीमीटर के आसपास है, हाइट 8 सेंटीमीटर, लेंथ जो है वो 76 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 2.76 सेंटीमीटर। 2 लोगों को बैठकर खाना खाने के लिए स्पेस जो है वो काफ़ी सफिशेंट है, और आपके घर में भी यह ज़्यादा जगह नहीं घेरती है। अब बात करते हैं इसके मटेरियल्स के बारे में। तो ये जो आप डाइनिंग टेबल देख रहे हैं, इसका जो टेबल टॉप है वो पार्टिकल बोर्ड है, यानी कि यह एक कंप्रेस्ड वुड हमारे यहाँ जो बोलते हैं, और इस पार्टिकल बोर्ड के ऊपर लगा हुआ है मेलामाइन फॉइल। और इस टेबल टॉप के सारे कॉर्नर्स जो हैं वो प्लास्टिक से एजिंग किए हुए हैं, यानी कि उसमें शार्प कॉर्नर्स आपको नहीं मिलते हैं, और फिनिशिंग काफ़ी अच्छी मिलती है, स्मूथ मिलती है। नीचे के फ्रेम की बात करें तो वह बना हुआ है स्टील से, जो सीट मेटल होते हैं उससे बनी हुई है, और उस स्टील के ऊपर जो है आपको इपॉक्सी पाउडर की कोटिंग की हुई है। कुर्सियों का भी जो फ्रेम है वो बना है स्टील से और उसके ऊपर इपॉक्सी पाउडर कोटिंग की हुई है। कुर्सी की सीट या ब्रैकेट की बात करें तो वो बनी है पॉलीप्रोपिलीन प्लास्टिक से। अब करते हैं इसका रिव्यू। तो मैं आपको बता दूं कि यह जो है ओवरऑल अच्छा है। ईज ऑफ असेंबली अगर कहें तो इट्स इजी, वैल्यू फॉर मनी तो है ही, काफी सस्ता है ये आपको 5,300 रुपए में। प्रोडक्ट क्वालिटी ओके, अपीयरेंस वेरी गुड,
गुड। बात करते हैं स्ट्रेंथ की, तो जो लकड़ी के टेबल में जो स्ट्रेंथ होती है वैसे स्ट्रेंथ तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, फिर भी मजबूत ही है। हमारे घर के तो बच्चे कुछ ऐसे हैं कि जो डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठकर खाना खाते हैं और उसके ऊपर कूदते भी हैं। बाकी आप खुद ही समझदार हो। IKEA के सभी फर्नीचर्स लगभग ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना और असेंबल करना काफी आसान होता है, यानी कि हैंडलिंग। यदि आप बार बार घर चेंज करते हो तो वैसे लोगों के लिए जो है यह टेबल बहुत अच्छा है। यहाँ पर हमारी असेंबली हो चुकी है पूरी और डेकोरेशन भी हो गया है कंप्लीट। तो फिर आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। IKEA से खरीदे गए कुछ अन्य प्रोडक्ट्स की भी रिव्यू और जानकारी मैंने अपने चैनल में दे रखी है, तो आप कृपया हमारे प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर चेक करें।